नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो नए जनरेशन की जो मोटरसाइकिल है वहां पे काफी सारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, तो उसका मेंटेनेंस आपको कैसे करना है, क्योंकि ये चीप नहीं है। दूसरी बात, ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये स्पेसिफिकली जो कोस्टल लाइन पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोस्टल लाइन पे आपको पता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और सॉल्टी वेदर रहने की वजह से डिपोजिशंस पकड़ने का बहुत चांसेस ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको अवॉइड कैसा करना है, चलिए दोस्तों हम वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो यहां पे मैं पहले आपको टेस्टिंग करवा के दिखाऊंगा। ये सबसे ईजी तरीका मैंने ढूंढा है, आपको अगर कोई और तरीका पता रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस, ये काफ़ी महंगा रहता है लेकिन बहुत ही असरदार है, और इसका यूज़ करने की वजह से आपके काफ़ी सारे महंगे महंगे जो स्पेयर पार्ट्स है जो मोटरसाइकिल में लगे हुए रहते हैं वो बचते हैं। ये मेरे हिसाब से तो वर्थ है। तो मैं आपको टेस्टिंग करवा के दिखाता हूँ। मेटल कंडक्टिव ज़्यादा रहता है तो मैं मेरा मल्टीमीटर यूज़ करूँगा, जिसमें कंटिन्यूटी टेस्टर, उसको ऑन रखूँगा और मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें बीप होता है तो हमें यह भी समझ में आएगा कि वो कंडक्टिव है या नॉन कंडक्टिव। जहां तक हमें पता है कि कंटिन्यू टेस्टिंग में आप सुन सकते हैं बीप साउंड आ रही है इसमें, तो मेटल टू मेटल जब कांटेक्ट होता है तो मल्टीमीटर बीप साउंड देता है क्योंकि इसमें फैसिलिटी है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर हम डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस, आप वापिस सुन सकते हैं, इसके ऊपर हम डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस का पेस्टिंग यानी कि लेयर हम इसके ऊपर देंगे मेटल के ऊपर, और फिर चेक करेंगे कि इसमें कंडक्टिविटी है या नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इससे हमें यह भी पता चले जाएगा कि पानी का कोई असर पड़ने वाला है या नहीं, बल्कि ये वाटरप्रूफ ज़रूर है। आप सुन सकते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिव है। देखिए दोस्तों, जब ये मेटल टू मेटल फ्रिक्शन करेगा ग्रीस के थ्रू तभी वो कंडक्टिविटी दिखाई देगा। इसका मतलब हम जब ग्रीस इसको लगाएंगे प्लग के कैप में या जहाँ पे भी, वहाँ पे वो टर्मिनल्स टच तो हो जाएंगे लेकिन उसके साइड में लेयर आने के बाद पानी का असर इस पर नहीं होगा। इतना याद रखना, हाई प्रेशर वॉश से ये निकल जाएगा लेकिन नॉर्मल पानी से या ह्यूमिडिटी से या मॉइस्चर से इसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। हम अभी इसको मैं इंटरसेप्टर पे काम कर रहा था, तो ये कैविटी है स्पार्क प्लग की, ये स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं। स्पार्क प्लग कैप में एक प्रोटेक्टिव बूट रहता है, उसको निकालना है आपने। स्पार्क प्लग कैप और बूट को क्लीन करके लेना है और उसके बाद आपको पेस्टिंग करना है डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस से। ईयरबड से आपको इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो होल रहता है वो बहुत छोटा रहता है, तो इसमें स्पैचुला नहीं जाएगा। अच्छे से उसको एंड तक उसको पेस्टिंग करना है, उसके सराउंडिंग में भी, और जो एंड में जो पॉइंट रहेगा मेटल पीस जो ब्रास का रहता है उसको भी आपने लगाना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर स्पार्क प्लग के टॉप पे जो ऊपर का जो एंड है उसको भी आपने डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस को पेस्टिंग करना है। तो जब भी आप गाड़ी की सर्विस करते हैं तो इसको अप्लाई करना हर टाइम ज़रूरी है, क्योंकि आप निकालने भी वाले हैं और उसको सर्विस करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक ग्रीस, जो डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस लगा हुआ रहता है वो निकलता है, तो उसको वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको बाकी के सब कनेक्टर्स जो है या ECU के कनेक्टर है उसको भी करना है। आप देख सकते हैं अभी मैंने एक FI का कनेक्टर निकाला हुआ है तो उसको भी आपको अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करते समय आप लकड़ी का जो स्पैचुला है उससे आप, या जो पॉप्सिकल का जो पट्टी रहता है, डंडी रहती है, उससे आप डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस से ग्रीस का लेयर जो है वो टॉप पे आप लगा सकते हैं। इसको पूरा भरना नहीं है, ध्यान में रखना भरना नहीं है, लेकिन जस्ट एक लेयर देना है, करीबन 1-2 mm का लेयर रहना चाहिए इसके टॉप पे। सोचिए अगर पानी इसमें जाता है और आप ऑफ साइड में हो या रिमोट में हैं तो अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो है यूज़ करनी ज़रूरी है।
ऐसे इसको लगाना है ऊपर अच्छे से लेयर देके, और फिर उसको फिट करना है। डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस यूज करना बहुत जरूरी है, आपको काफी सारे कंपनीज इसमें मिलेंगे। तो ये हुआ इसका प्रोसीजर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी। ये जो मटेरियल मैंने स्पेसिफिकली यूज किया है ये स्पेसिफिक मटेरियल है, ये कोई और ग्रीस का मतलब ऐसे नहीं है कि ये कोई भी आप ग्रीस यूज कर सकते हैं। ग्रीस में बहुत सारे ग्रेड्स रहते हैं, स्पेसिफिक ग्रीस है, ये सिर्फ इसी चीज के लिए बना हुआ है। ब्रांड हो सकता है आपको दूसरा मिले, लेकिन जो टाइप है आपको यही यूज करना है। अगर आप दूसरा यूज करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कुछ भी आप यूज मत करना, उस स्पेसिफाइड जो मटेरियल आता है उसी को आपको अप्लाई करना है। बाइक्स बड़ी है, काफी महंगी रहती है, तो उनको बचाना हमारे हाथ में रहता है। भले आप DIY करो या टेक्नीशियन रहने दो, तो आपको इसी चीज को यूज करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।